छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो। कौन है ये लड़की? जानना चाहते हैं? वेंकटपुरम गया था, मंदिर में किसी गधे से फेरे लेने वाली थी। इसका थोपड़ा देखा तो इंस्टेंटली दिल आ गया इस पे। मेरे को भाव नहीं दे रही थी तो क्या, इसको जबरदस्ती मंडप से उठा कर ले आया। किसी भी अरे गरे को इस घर में लाएगा? तूने भी तो यही किया था। अपनी बराबरी मुझसे करेगा तू? क्यों ना करूं? वो सब छोड़, तू इससे शादी करने वाला है? चीची, शादी की बात किसने की? कुछ दिन मौज करूंगा फिर बाहर फेंक दूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शाबाश, तू तो मेरा सच्चा पोता है। ये तो वही लड़की है। पब में देखा होगा, किसी मंदिर में देखा होगा, है ना? ये मेरा प्रवचन सुनने आती थी। अबे चुप। आपका ही खून है, इसको सबक सिखाने के लिए शादी के मंडप से उठा लाया। अगर इसे जबरदस्ती उठा लाए हैं, तो ये बताइए कि ये रो क्यों नहीं रही है? तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? अब खुश? हाँ, इसे अंदर ले जा। आइए मैडम। मुझे अपने पापा से मिलना है। अभी जाओगी तो इन लोगों को शक होगा, कुछ देर रुक जाओ। ओके, कम से कम संध्या मैम से बात कर लूं, मेरे फ्रेंड्स परेशान हो रहे होंगे। हेलो। हेलो संध्या मैम। आलिया, कहाँ हो तुम? कहाँ लेके गया वो तुम्हें? पिच्चेश्वरपुरम लेकर आया है तिरुपति के पास, बाकी बातें बाद में बताऊंगी। और यहाँ छुप कर किससे बातें कर रही है? अब वो कभी घर नहीं लौटेगी। चल अंदर जा। उस सिरफिरे ने आलिया को किडनैप कर लिया है, तुम्हें एक मर्द की तरह उसे बचाना होगा। वो एक बच्चा है, मेरी मार से कहीं मर न जाए। अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। आज ही मैरिज हॉल बुक करवा लो, शादी का खर्चा तुम्हारा हनीमून मैं स्पॉन्सर करूंगा। कल तक उसका नाम राशन कार्ड से कट चुका होगा। कोई भी न्यूज चैनल देख लेना, सब जगह यही ब्रेकिंग न्यूज होगी। इसे तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है मैंने। आलिया ने उस फ्रॉड पर भरोसा किया, दोनों मिलकर उसे बचा लाएंगे। एक गाड़ी में चलेंगे तो पेट्रोल की बचत होगी। हाँ। बाहर निकाल, जल्दी बाहर आ। तुम्हारे विधानसभा जितने बड़े घर से डरने वाला नहीं हूँ। हिम्मत है तो मुझसे सामना कर, बाहर आ। उस सड़क छाप गुंडे को मेरे हवाले कर। अभी ये कौन है? कॉमेडियंस की कमी थी जो ये आ गया। क्यों बे चिरकुट, इस अबला को किडनैप किया? रुक, अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये जोकर कौन है? लड़की का बाप है और वो दूसरा इसका मंगेतर है। इनके सामने से तो इसे उठा लाया था। मेरी होने वाली बीवी को किडनैप किया इसने। इंस्पेक्टर, गो एंड अरेस्ट दैट फेलो, ब्रिंग दैट क्यूट गर्ल टू मी। थोड़ी देर चुप रहेंगे सर? सर, कंप्लेंट है कि इस गुंडे ने इस लड़की का किडनैप किया है। क्यों मैडम, क्या ये सच है? अगर तूने उस इंस्पेक्टर से सच कहा तो तेरे बाप और होने वाले पति को यहीं जिंदा काट दूंगा। ये झूठ है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। हेलो हेलो हेलो, कान में फुसफुसाया, वो बेबी डरी हुई है। मुझसे पंगा मत ले, पूरे स्टेट में मेरे नाम का टेरर है। यहाँ का सीएम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ के गवर्नर के साथ बचपन में मैं कंचे खेलता था और पीएम मेरा क्लासमेट था। अरे रे, देखो इसके मासूम मुखड़े को, इसे किडनैप करने का सोचा भी कैसे? गुंडागर्दी करता है, मैं हूँ ना। हम चलते हैं सर, गाड़ी स्टार्ट कर। तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। रुक जा, इस टिंगू को उठाकर अंदर ले आओ। बड़ा सीएम से लेकर पीएम तक का रिश्ता बता रहा था, अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। बाथरूम? बाथरूम करके आया हूँ, नहा के भी आया हूँ। I'm sorry, अगर उसे चुप नहीं कराता तो हमारा मिशन यहीं खत्म हो जाता। मैं अभी डॉक्टर विश्रांत को फोन करके सच्चाई बता देता। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों?
तुम्हें डर लग रहा है? देखो वो तुम्हारा होने वाला पति है, उसे तुम्हारी फिक्र है। मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी फिक्र होती। रुको, मेरी बात सुनने के बाद फोन कर लेना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो उसे फोन कर लो। अब मैं क्या कहूँ? वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम पास हो इतना ही काफी है। हेलो संध्या। वीरा तुमने फोन नहीं किया? मैंने सबकी अच्छी खासी धुलाई कर दी है। डोंट वरी, आलिया को लाए बिना नहीं लौटूंगा, और लौटने के बाद बिना वक्त गवाए तुमसे शादी कर लूंगा। ये मैटर मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। कहो तो पुलिस कमिश्नर से बात करूं। बिल्कुल नहीं। ओके। आई उसका नाम मुन्ना है, आलिया मैडम के बचपन का दोस्त है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, अपनी माँ की कसम सच कह रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से। थैंक यू सर। चलो पापा से मिलते हैं। कितने दिनों बाद आए हैं? पापा कहाँ हैं? पीछे वाले बाग में हैं। क्या हुआ? साले साहब आज कैसे आना हुआ? जरा पिच्चेश्वर को बुलाना है। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। कैसे इंसान हो, एक शर्त के लिए कोई घर छोड़ देता है? अपने हर वचन को निभाने जाओगे तो दुनिया नोच डालेगी। जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूं, कुछ कहेंगे नहीं? सब लोग जाओ। तेरा नाम दिल्लेश्वर इसलिए रखा कि दिल्ली पर राज करे, इसलिए नहीं कि पावर खोकर घर पर बैठ जाए। ठीक है, मिनिस्टर की पोस्ट गई, पब्लिक की सिंपैथी नहीं जानी चाहिए। आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा, आपकी इज्जत नहीं जाने दूंगा। सर सर सर, ओए मिनिस्टर, यहाँ इस तरफ देखिए। आपके लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया, और तो और मैं उसे छुड़ाने आया तो मुझे भी बाथरूम में बंद कर दिया। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बाहर निकालें, आपका फैन हूं सर। ओए जाके देखो उस लड़के ने किसी को किडनैप कर लिया क्या। ए पिक्चर सर, तुम्हें किडनैप करके लाया है ना? तुम कंफर्म हो इसी को बुला रहे? बाहर चल। गो सा बुला रहे गो। अब क्या होगा वेंकट भैया, आप कहाँ चले गए? ये वो लड़की नहीं है, अंदर चलो, अंदर चलो। आउ कोने में। ये रही वो लड़की। कौन लेके आया इसे? जंगम चाचा। क्यों लेके आया? जंगम चाचा की शादी होने वाली थी, ये वहां पहुंच गई और उनकी बुराई करने लगी, शादी कैंसिल करवा दी। फिर क्या, मामा को गुस्सा आ गया, सीधा इसे उठाकर यहाँ ले आए। जा। घर के अंदर या बाहर? अच्छा ठीक है, अंदर जाती हूँ। बाथरूम वाले को लेके आ। सर थैंक यू सर, चलता हूँ सर। सर सर एक रिक्वेस्ट है सर, आपके साथ एक फोटो लूँ सर, सफेद दाढ़ी फोटो ले।
सर, दिस इज बेटर सर, खींच, चेहरे पे स्माइल लाइए ना सर। ऐसी लड़की से क्या वो शादी करता? जाओ। मुझे मारा क्यों? ओए इधर आ। ये पीछे क्या देख रहा है बे? जाओ। इसी तरफ से ना? हाँ। बैक टू बाथरूम। नमस्ते भाई। आप कब आए भैया? मुझे ये बताओ, ये मुन्नी के बचपन का दोस्त कौन है? अरे हाँ, वो कोंडल प्रसाद का बेटा मुन्ना, उसी की वजह से पिचेश्वर को गांव छोड़कर चला गया था। हाँ ये सच है, मैं प्रसाद का खेत संभालता हूँ, लेकिन ना ही वो अपना हिस्सा लेने आए और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ पता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आखिर मुझे इस गांव में रहना है। एक बार प्रसाद ने मुझे फोन किया था और अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता भैया। यहाँ कोंडल राव रहता है क्या? वो अब यहाँ नहीं रहता, वो गांव छोड़ के चला गया। बैंक जाके उसका एड्रेस निकलवाओ। बैंक के पास तो उसका पुराना एड्रेस है, अब क्या करेंगे? कहाँ जाएगा बच के, ढूंढ निकालो उसे, एक एक गांव छान मारो, हमें पब्लिक की सिंपैथी हासिल करनी होगी, साथ में उसे ढूंढ निकालो। इस फोटो को छूने की इजाजत किसी को नहीं, पूरे घर में कोई इस लायक ही नहीं है कि इसे छू सके। सॉरी बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जिंदगी। hey, बाहर आ। वहां जाने की हिम्मत कैसे की?